हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पोस्ट कर सकते दिवाली की फ़ोटोज़ के लिए और कैसे अपनी फ़ोटोज़ से सोशल मीडिया में आग लगा सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो पूरी देखना। इस पोज में हमें सिंपली दो फुलझड़ी को जला लेना है और उन्हें ऐसे गोल घुमाते हुए पोज देना है। आप चाहे तो गॉगल्स भी पहन सकते हैं जिससे फ़ोटो और अच्छी लगेगी। तो देखिए आप ये आपको फोटो कैसी लगती है। ओके, मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ वॉचेस हैं, कुछ सनग्लासेस हैं और हम जो फोटो शूट करने वाले इस फोन से करेंगे। और ये फुलझड़ी वगैरह, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आग लगाने के लिए माचिस जरूरी है ना। और ये लाइट यूज़ कर रहे हैं जिसे हमने पेपर से थोड़ा सॉफ्ट किया है। तो ये सेकेंड पोज बताता हूँ मैं आपको अब। अब थर्ड पोज के लिए हमने लाइट को कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगा के रखा है और लोकेशन भी चेंज कर ली है जिसमें पीछे लाइट्स वगैरह हो, पोर्ट्रेट्स के लिए अच्छा लगता है। तब दिखाता हूँ मैं आपको सूट इस लोकेशन का। लाइक कर दो पहले, ये बताऊंगा सीधी बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात बड़ा हरामी हो। इस पोज के लिए हमें सिंपली अपना हाथ इस तरह से दीवार पर रख लेना है और एक हाथ पॉकेट में भी रख सकते हैं आप, या चश्मे को अलग अलग एंगल में सेट करके देख लेना। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ मैंने कैसे क्लिक किया। बूम। इस पोज में हमें ऐसे नीचे बैठ जाना है और कुछ इस तरह से पोज देना है। और ध्यान रहे ये फोटो हमें थोड़ा लो एंगल से क्लिक करना है। अब हम लाइटिंग के साथ कुछ पोज करने का ट्राई करेंगे। आप देखिए कैसे करना है, जैसे कभी हाथ में पकड़ के या कंधे पे रख के। अब देखिए काफ़ी अच्छे फोटो आते हैं ऐसे भी, ऐसे फ़ोन से फ्लेयर बन जाएगी ऐसे कैमरे के पास लाइट लगा के। तो अब देखिए अब हम ट्राई करेंगे कुछ चुन्नी के साथ पोज करने की, जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल लगता है और बहुत अच्छी लुक आती है चुन्नी के साथ भी। तो देखिए आप किस तरह से दे सकते हैं पोज। फोटो थोड़ा क्लोजअप लेंगे, थोड़ा पास जाना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट के। और अगर आपके फोटो नाइट में अच्छे नहीं आ पा रहे हैं तो आप दिन में भी फोटो क्लिक कर सकते हैं जो कि सनलाइट में काफी अच्छे आते हैं। तो मैं आपको कुछ और पोजेस दिखाता हूँ, देखिए वीडियो पूरी की पूरी। सब्सक्राइब कर लो, ये देखो ये रहा बटन, इससे आपके पास ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे।
और अगर आपको फोटो एडिटिंग करने के लिए ट्यूटोरियल देखना हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और यहाँ पर भी अभी लिंक आ जाएगी। ये यहाँ पे क्लिक करके आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि आप आपकी फ़ोटो कैसे एडिट कर सकते हैं।